नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का और जो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं हम अपने विषय को। आज से विषय आपके लिए उतना अरिचकर नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब जो भाषा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोगों की हिंदी के निकट आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक कल हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, आज से हम पढ़ेंगे हेमचंद्र के बारे में। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह, जिनका टाइम संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल, जिनका समय 1199 से 1230 के यहाँ पर इनका बड़ा मान था। हेमचंद्र का मान किसके यहाँ था? सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल, ठीक है, इनके आश्रयदाता थे। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। हेमचंद कौन थे? जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन सिद्ध राज के समय पे बनाया था। व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम था इनके? सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, ये एक व्याकरण ग्रंथ था। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिसमें अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए। भल्ला हुआ झुमारिया बहिण हमारा कंत, लज्जे जम जु वयम शियहुं जय भग्गा घर एंतु। मतलब, भला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। यहाँ पे मतलब जो मेरा पति है वो अच्छा हुआ कि युद्ध में मारा गया, यदि वह भागकर घर आ जाता तो मुझे अपनी सखियों के सामने लज्जित होना पड़ता। जो सो न आवई दुई घर पाई अह मुह तुच्छ, वयण ज ढंगई तव सहिए सो प्यू न होई मुझ। अर्थात, हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है? हे सखी, यदि तेरा वचन खंडित करता है, श्लेष से दूसरा अर्थ, तो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है तो वह मेरा प्रिय नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है श्लेष अर्थ में दो अर्थ इस दोहे के हैं। जे महुदिन्ना दिया हणा देयई पम संतेण, ताण गणते अंगुलियां जज्जरियाऊ नहीं। अर्थात, जो दिन या अवधि दयित अर्थात प्रिय ने प्रवास में जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जरित हो गई। मतलब, जो मेरे प्रिय ने मुझसे समय बताया था लौट के आने का, वो इतना लंबा हो गया है कि मैं गिनते गिनते थक गई हूँ, गिनते गिनते मेरी उंगलियाँ ही जर्जरित हो गई हैं। पिय संगमी कौ निंदड़ी पियहु परख्यों केव, मैं बिन्नवी बिन्नासियाँ निंद न एव न। प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों करावे? मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई, नयो नींद न त्यों। मतलब, यदि मेरे प्रिय मेरे साथ होते हैं तो भी मुझे नींद नहीं आती, और वो परेक्ष होते हैं तो भी नहीं मुझे नींद आती है। तो इस तरह मेरा तो दोनों तरह से विनाश हुआ, ना मैं ऐसे सो सकती हूँ ना वैसे सो सकती हूँ। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित्र नामक एक
प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। ये हो गया हेमचंद सूरी के बारे में। अब चलिए पढ़ते हैं अगला, सोमप्रभ सूरी। ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। ये ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि के बनाए हुए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जायउ जहि दिए ही, देह मुख एक शरीर चिंता भी ये यही जड़वी कमण पियावहु खीर। मतलब जिस दिन से 10 मुंह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी से माता चिंतित हुई कि किसमें दूध पिलाऊं, मतलब रावण के किस मुख से दूध पिलाऊं। बेस बिसिठ है भार यही जैव मनोहर गत्ता गंगा जल पक्खा ली अभी सुने की है होई पिबत्ता। बेस विशिष्टों को वारिए अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी। गंगा जल से धोई हुई कुतिया भी क्या पवित्र हो सकती है? पिए हो थक्के सयल देणु तो विरग्गी किलंत थोड़े ही जल जिम मछलियई तल्लो बिल्ल करंत। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरागनी में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े से जल में मछली तलबेली करती है। जैनाचार्य मेरुतुंग इन्होंने, यहाँ से मेरुतुंग शुरू हो रहे हैं, जैनाचार्य मेरुतुंग इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना याद रखिएगा, प्रबंध चिंतामणि। कई बार ये जो रचनाएं हैं ये क्रम में पूछ ली जाती हैं, जो बहुत पहले से ही चले आ रहे थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी तब वहां के राजा तैलक ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया। वहां उसके साथ तैलक की बहन मृणालवती को से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए, छाली तुट्टी किम नमऊ किम न हुए छरपुंज हिंदही दोरी बांध यह जिम मंकड़ तिम मुंज। टूट पड़ी हुई आग से क्यों ना मरा, छारपुंज क्यों ना हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे ही घूमता है मुंज, वैसे ही घूमता है मुंज। काल भई जुब्बण गयूं नझूर जय शक्कर सह खिंडती तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता है कि हे मृणालवती, गए हुए यौवन को ना पचता यदि सरकरा 100 खंड भी हो जाए तो भी वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। जामति पच्छई संप जई सामति पहली होए मुंज भड़ई मुड़ाल वई बिघर न बेढ़े कोई। जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती यदि पहले हो तो मुंज कहता है हे मृणालवती, विघ्न किसी को ना घेरे।
मतलब बाद में हर काम के बुद्धि आती है ना, यदि वो पहले ही आ जाए तो किसी को कोई विपत्ति हो ही ना। बाह बिछोड़ा भी जाही तू हो ते वही का दोष, ही देठ जई निस रही जानो मुंज सरोस। अर्थात बाह छुड़ाकर तू जाता है, मैं भी वैसे ही जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थिति अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूं कि मुंज रूठा है। एव जम नग्गे हुगेऊ भड़ सिर खगु न भगु, तिखा तुरिया न माणिया गोरी गली न लगु। यह जन्म व्यर्थ गया, न सुबटों के सिर पर खड्ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा। इस तरह फुटकर रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के भी प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। विद्याधर इस नाम से एक कवि ने कन्नौज की किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भय भज्जिय बंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रण मुत्ति चले, मरहट्टा थिट्टा लग्गी है खट्टा सोरठा भय पाए पले। चंपा रण कंपा पबई झंपा उठि उठि जीव हरे, काशी सर राणा कियं पाणा बिज्जा हर भण मंतिवरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उनका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी समझा जा सकता है। सारंगधर, इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध महाराज वीर महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे, उनके भोपाल दामोदर और देवदास ये तीन पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हम्मीर देव संबत 1357 में अलाउद्दीन खिलजी की चढ़ाई में मारे गए थे, अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संबत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण का में मानना चाहिए। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्याएं हैं। उदाहरण के लिए श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ ये श्लोक देखिए। नूनम बादलम छाई के पसरि निहिश्राण शब्दः खरा, शत्रुम पाणि लुटाली होड़ अनिसं एवं भड़न्त्यु भट्टः, झूठे गर्भ भरा मघाली सहसा रे कंत मेरे कहे, कंठे पाग निवेश जहां शरणम श्री मल्ल देवम विभुम। परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हम्मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता, उसके अनुकरण पर बहुत पीछे लिखा हुआ एक ग्रंथ हम्मीर रासो नामक मिलता है। प्राकृति पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हम्मीर रासों के ही हैं, अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ये हम्मीर रासों के रचनाकार पूछ लिए जाते हैं।
भोला मारिया ढिल्ली मह, मुच्छू मेच्छ शरीर, पुर जाजल्ला मंतिवर, चलिए वीर हमीर। चलिए वीर हम मेर, पाव भर मेणई कंपई, दिगमगड़ अंधार धूल सुर रह आच्छा इह, दिगमगड़ अंधार आण खुर साकुण उल्ला, दर मर दमस विपक्ष मारु ढिल्ली मा ढोल्ला। अर्थात दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्री वर जज्जल को करके वीर हमीरदेव चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है, धूल सूर्य के रथ पर को आच्छादित करती है, ओल में खुरासनी ले आए, विपक्षियों को दल मल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। पिंगे उदृण सन्नाह वाह उपरी पखर दई, बंधु समदि रण धासे हूँ साही हमीर बाण लई, अड्डू अड़ह पह धमऊ खिग गरिप उसी सही झल्लऊ, पखर पखर ठेली पेली अबऊ कप पल्लऊ, हमीर कज जज्जल भड़ई कोहाड़ल मह मई जलेऊ, सुलितान सीस करवाल दई तज्जी कलेवर द्यू चलेऊ। अर्थात दृढ़ सन्नाह पहले वाहनों के ऊपर पखारें डाली, बंध बाधवों से विदा ले, रण में धसा हमीर साही का वचन लेकर, तारों को नभ पथ में फिराऊं, तलवार शत्रु के सर पर जड़न, पाखर से पाखर ठेल पेल कर पर्वतों को हिरा डालूं। जज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूं, सुल्तान के सिर पर खड्ग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। पाभर दरमर धारिणी तरणी राहा धुल्लई झंपई, कमठ पिट टर पिए मेर मंदर सिर कंपई, कोहे चलिए हमीर वीर गह जो संजुत्तो, कियों कठ हाकंद मुंछ में छई के पुत्तो। अर्थात चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य के रथ धूल से ढक गए, कमठ की पीठ तड़फड़ा उठी, मेरु मंदर की चोटियां कंपित हुई, गज युद्ध के साथ वीर हमीर क्रोध हो चले, मलेच्छों के पुत्र हाक कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यही समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान थे ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद्य रख कर अपभ्रंश में दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्तिपताका नाम की प्रशस्ति संबंधी दो पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं। उस समय इनमें से किसी का पता ना चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए, वहाँ के राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इसमें ये कीर्तिलता और कीर्तिपताका विशेषकर पूछी जाती है, इनकी भाषा और इनके रचनाकार का नाम विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्तिपताका, क्योंकि ये बहुत बाद में आई हैं अपभ्रंश की, जब समाप्ति की ओर था उसके काफ़ी बाद में ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये अपभ्रंश में लिखी गई थी कीर्तिलता और कीर्तिपताका। इस
पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता और गुण ग्राहकता आदि का वर्णन बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पे, छंद गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण लीजिए। रज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बले हारल पास पैस विश्वास राय गैने सरमाल मारल मारंत राय रण रोल पट्टू मेन हाहार सद्दहु सुर राय नयर ना अर रमणी वाम नयन पक फुकऊ धो। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की है कि वे प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। मतलब इन्होंने तत्सम और संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है, बहिष्कार नहीं किया है। तात्पर्य यह है कि प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बधी नहीं है जिसमें उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। पुरी सत्तोण पुरी सौ नहीं पुरी सौ जम मत्तोन जलदा नेन हूँ जलो नहूँ जल ज जलो पुजियु धूमो। वैसे ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। कतहु तुरुक बरकर बाट जाए ते बेगार धार धार आने वाभन बरुआ मथा चढ़ावई नायक चुरुआ हिंदू बोले दुरहि निकार छुटहु तुरुक का भबकी मार। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए नमूने अब तक दिए जा चुके हैं उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें किया गया। उपकार नगर विद्या वचन जैसे प्रचलित शब्द भी उआर नार बिज्जा व अण बनाकर ही रखे जाते थे। जासु तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल के कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे जुब्बण गयु ना झूरी गए को यौवन ना झूरी गए यौवन को ना पछता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उनका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह से हो जाता है। मतलब हम अच्छे से शब्दों का निरीक्षण करते हैं तब इस तरह की परंपरा पालन की जाती है, हमें अच्छे से पता चल जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूप का प्रयोग पाते हैं तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्या संदेह हो सकता है। मतलब मीठी शब्द उस काल तक प्रचलित हो चुका था। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्दों के रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। किसमें प्रमाण मिलता है? सारंगधर के पद्यों में और कीर्तिलता में। ध्यान रखिएगा ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। आगे रामचंद्र शुक्ल जी ने संदर्भ ग्रंथ दिए हैं। यहाँ से हमने अपभ्रंश भाषा का जो पार्ट था वो ख़त्म कर दिया है।
आगे अब जो रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है वो थोड़ा सरल लगने लगेगी, तो साथ बने रहिएगा जरूर। ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से आज का जीके वाला प्रश्न देख लेते हैं। रिजर्व बैंक आरबीआई ने मनी नामक नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है, जिसकी मदद से दृष्टि बाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शायद ना समझ आ रहा हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व बैंक ने, किसने जारी किया, रिजर्व बैंक ने मनी नाम का एक ऐप जारी किया है, जिसकी मदद से दृष्टि बाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे। आरबीआई गवर्नर जनरल शशिकांत दास ने बुधवार को मोबाइल नोट आइडेंटिफायर ऐप जारी किया। फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर यानी मनी। केंद्रीय बैंक ने बताया कि मनी ऐप महात्मा गांधी सीरीज और महात्मा गांधी न्यू सीरीज के बैंक नोटों को पहचान करने में सक्षम है। ऐप बैंक के अगले या पिछले भाग किसी भी हिस्से की पहचान करने में यह ऐप सक्षम है। साथ ही ये एक बार मोड़ कर रखे गए नोटों को की भी पहचान कर सकता है। यह विभिन्न कोणों और विभिन्न रोशनी की तीव्रता में भी नोटों की पहचान कर सकेगा। तो ये था आज का करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा थोड़े दिन, दो चार जो एपिसोड हैं, जो दो चार वीडियोस के ऐसे हैं थोड़ा बोर कर रहे हैं, उनको आप देख लीजिए। आगे चल के ये थोड़ा आपको सरल भी लगने लगेगी और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जो लेखक हैं और लेखक की रचनाएं ज़्यादातर इससे पूछी जाती हैं। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट था मैं बताती चली हूँ, सारांश और इस तरह का जहाँ मैं ज़रूरत समझूंगी आगे के वीडियो में आपको बताती रहूँगी। अपना साथ जरूर बनाए रखें, कमेंट्स में कमी ना होने दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक तो कर ही दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ रहने के लिए।